नमस्ते दोस्तों दोस्तों मैं सुमन वशिष्ठ बस फिर से आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। दोस्तों मैंने अपनी इस वीडियो में शरद पूर्णिमा के दिन जब हम खीर बनाते हैं दिन में और रात को उसी खीर को जब हम चंद्रमा की किरणों के आगे रखते हैं, यानी कि 16,000 किरणें कहते हैं उसके ऊपर पड़ती हैं पूरी रात जब हम रखते हैं खीर को, तो उसे इतना लाभदायक बना देती हैं कि जब सुबह हम उसे खाते हैं तो वो हमारे शरीर और मन दोनों को स्वस्थ कर देती है। ये हमने अपने पूर्वजों से सुना है, यानी कि सारे ही कहते आए और हमने ऐसा किया भी है। हमेशा खीर बनाते हैं और पूरी रात उसे रखते हैं। पूरी रात ना रख सको तो 2-3 घंटे के लिए रख दो, लेकिन सुबह उस प्रसाद को खाते हैं, इससे मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ होते हैं। दोस्तों ये शरद पूर्णिमा जो होती है दशहरा के 4-5 दिन बाद आती है। अगर आप इसे करना चाहो तो अगले साल जरूर खीर बनाओ और अपने मन और शरीर दोनों को स्वस्थ बनाओ। वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों, दोस्तों आज हम खीर बनाएंगे। आज दोस्तों शरद पूर्णिमा है और ये जो पूर्णिमा होती है शरद पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा होती है। दोस्तों आज खीर मैं 4 बजे बना रही हूँ और जब ये खीर बन जाएगी तो फिर हम इस खीर को और थोड़ा सा हम पंजीरी का प्रसाद सत्यनारायण भगवान जी की कथा में रखेंगे और फिर हम इस खीर को दोस्तों आज खाएंगे नहीं, झूठा नहीं करेंगे, इसे सारी रात चंदा मामा यानी कि चंद्रमा के सामने रखेंगे। बाहर बालकनी में या छत पे आप रख सकते हैं और फिर इसे छलनी से ढक करके रखेंगे। दोस्तों कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं जब खीर पर पड़ती हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है, शुभ रहता है। इतना तो मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी हम हर साल शरद पूर्णिमा आती है तो हम खीर बनाते हैं और फिर चंदा मामा के सामने रख देते हैं, यानी कि उनकी किरणें इस पे पड़ती हैं सारी रात, या 2 घंटे के लिए रख दें, 3 घंटे के लिए रख दें, जितना हो सके उतने घंटे के लिए हम रख देते हैं और फिर बाद में सुबह हम इस सब को प्रसाद के रूप में देते हैं सबको, जितने भी अपने घर के सदस्य होते हैं। कहते हैं कि इस खीर में उनकी किरणें, जो कहते हैं कि इस दिन 16,000 किरणें चंद्रमा की पड़ती हैं और वो जो जो खीर वो खाते हैं तो वो निरोगी रहते हैं, यही भावना है और यही कहते हैं लोग, जो मैंने सुना है वही आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों खीर बना लेते हैं। जैसे ही इसमें दूध में उबाल आ जाएगा फिर मैं इसमें चावल डालूंगी थोड़े से, तो मैं दिखाऊंगी। 2 किलो दूध है ये और इसमें दोस्तों 2 किलो खीर में चावल मैंने ये लिए हैं 2 टेबल स्पून, और ये देखिए ये चावल बारीक वाले हैं ताकि आसानी से घुल सके। तो ऐसे ही चावल लें आप, खीर बहुत टेस्टी बनेगी। तो इन चावल को पहले हम धो लेते हैं और थोड़ी देर के लिए 15-20 मिनट के लिए भिगो कर रख देते हैं, तब तक इसमें उबाल आ जाएगा। दूध में दोस्तों उबाल आने वाला है, इतने हम क्या करते हैं इस चावल के पानी को हटा देते हैं अलग और फिर हम चावल चावल डाल देंगे। गैस को स्लो कर दिया है मैंने, दूध में उबाल आ गया है और दोस्तों ये देखिए मैंने पानी हटा दिया है। अब चावल डाल देते हैं हम उबाल आ जाने के बाद। चावल डाल देने के बाद दोस्तों हम इसे चलाएंगे। और ऐसे चला देने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे, गैस को स्लो कर देंगे और खीर पकती रहेगी। दोस्तों खीर को बनते हुए 20 मिनट हो गए हैं ऐसे स्लो गैस पर। ये देखिए मैंने चावल डाले थे और धीरे धीरे ये पक रही है। ऐसे धीरे धीरे जब ये पकती है तो दोस्तों बहुत ही टेस्टी खीर बनकर तैयार होती है। चावल हमेशा खीर में थोड़े ही डालने चाहिए दूध के हिसाब से, बहुत कम। अब 2 किलो दूध में मैंने 2 टेबलस्पून चावल डाले हैं और चावल भी मैंने ये छोटे वाले डाले हैं देखिए,
और अब हम क्या करेंगे, 20 मिनट हो गए हैं इसे कर ऐसे पकते हुए। तो दोस्तों ये मैंने चिरौंजी ली है और चिरौंजी को भी भिगो दिया था मैंने, तो अब हम चिरौंजी डाल देंगे इसमें। जैसे चावल थोड़े से गल जाएं, ये देखिए चावल गल चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल चावल गल चुके हैं। तो इस टाइम पे आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, जो भी पसंद करते हैं। हमारे घर में खाली चिरौंजी ही डालना पसंद करते हैं। तो दोस्तों मैं ये डाल देती हूँ, पानी को अलग हटा देती हूँ और फिर मैं इसमें चिरौंजी डाल देती हूँ। ये पानी मैंने अलग कर दिया है, डाल देती हूँ इसमें और इस तरह से चिरौंजी डाल देने के बाद स्लो गैस पर हम इसे पकने देंगे, जब तक कि ये हमारी खीर दोस्तों बिल्कुल पिंक सी हो जाएगी, दूध थोड़ा सा गुलाबी रंग का हो जाएगा पकते पकते, तब हम इसको वो करेंगे। इतने स्लो गैस पर इसे पकने देंगे और बहुत ही टेस्टी खीर बनती है दोस्तों जब हम इसे इस तरह से पकाते हैं। तो अब हम इसे स्लो गैस पर पकने देंगे और बीच बीच में ऐसे चला देंगे ताकि ये बर्तन के तले में लगे ना। 15-15, 20-20 मिनट के बाद इसे हम चला देंगे। ये नहीं कि स्लो गैस पर हम इसे पकने के लिए छोड़ दें बस फिर लास्ट में, नहीं। तो इस तरह से अगर छोड़ेंगे तो ये बर्तन के तले में दूध लग जाएगा और खीर जल जाएगी, तो फिर टेस्टी नहीं बनेगी। तो दोस्तों 15-15, 20-20 मिनट में ही आप इस तरह से चम्मच से इसे चलाएं और जब दूध और चावल बिल्कुल मिल जाएंगे, अलग अलग से दिखाई नहीं देंगे, तब हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। 10 की बजाय 15 मिनट हो गए हैं दोस्तों खीर को पकते हुए, हम इसे फिर से चला के देखेंगे और अब देखिए थोड़ी ज़्यादा घुली हुई लग रही है दूध और खीर, ये देखिए। तो इस तरह से जब हमें खीर लगे कि चावल बिल्कुल दूध में घुल गए हैं, ये देखिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें मीठा डाल देंगे। ये देखिए बिल्कुल अलग अलग नहीं है, अब ये बिल्कुल घुले हुए हैं। तो इस तरह से हमारी ये खीर बनकर तैयार हो गई है, इसमें मीठा डाल देंगे लास्ट में। और मीठा मैं उतना ही डाल रही हूँ जितना चावल डाला था मैंने, 2 टेबल स्पून। जितना मीठा आप खाते हैं उसके हिसाब से डालें, गुड़ चीनी मैं खांड डाल रही हूँ। तो दोस्तों सर्दी का मौसम है, खांड भी अच्छी लगती है और खांड चीनी से ज़्यादा फायदेमंद होती है। डाल करके मिला दें और इस तरह से बिल्कुल घोल दें चला करके, और गरम है घुल जाएगी। चम्मच से अच्छी तरह से चला करके पूरा मीठा अच्छी तरह से इसमें मिला दें और इस तरह से खीर खाने के लिए तैयार हो गई है। आज हम इसे खाएंगे नहीं, चंदा मामा यानी कि चंद्रमा के आगे इसको रखेंगे ताकि इसकी किरणें पूरी रात हमारी खीर पर पड़ेंगी और फिर सुबह हम इसे प्रसाद के रूप में खाएंगे। शरद पूर्णिमा का ये प्रसाद है दोस्तों। तो खीर बनकर तैयार है, हम गैस बंद कर देंगे। दोस्तों शरद पूर्णिमा की रात को 11 बजे मैं ये खीर रख रही हूँ और ये खीर पूरी रात बाहर रहेगी, इस तरह से ढककर रखेंगे, बालकनी में रख रही हूँ मैं ये, और पूरी रात इस पे चंद्रमा की किरणें पड़ेंगी और इस खीर को लाभदायक बनाएंगी। बहुत कहते हैं कि किरणें पड़ती हैं तो, और जब सुबह हम ये प्रसाद खाते हैं तो बहुत ही लाभदायक होता है, शरीर को स्वस्थ रखता है। तो दोस्तों इस तरह से अगली बार जब शरद पूर्णिमा आए तो आप भी खीर बनाएं और इस तरह से रखें।